नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमें कुछ भी सीखने से रोकता है, जीवन में कुछ भी करने से मना करता है, जीवन में लोगों से जुड़ने नहीं देता, अच्छी चीजें सीखने नहीं देता। अहंकार से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। इसी के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है मुझे सब पता है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। धीरे धीरे उसमें घमंड हो गया कि उसे सब कुछ आता है। अगर उसके दोस्त उसे कुछ कहते तो वो कहता कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। घर पर जब उसके माता पिता उसको समझाने की कोशिश करते तो उसका जवाब यही होता कि मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया, उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। वो किताबें खोलता तो उसका अहंकार उसे पढ़ने नहीं देता। उसे लगता है मुझे तो सब आता है, ये विषय तो मुझे बहुत अच्छा आता है, मुझे सब पता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार शिक्षकों के प्रति भी बदल गया। जब शिक्षक उसे क्लास में कोई चीज समझाते तो वो कहता मुझे पता है, मुझे सब आता है। एक दिन एक समझदार शिक्षक ने उसे समझाने का एक नया तरीका खोज निकाला। शिक्षक ने उसे चाय पर अपने घर बुलाया। जब वह शिक्षक के घर बैठा तो उस शिक्षक ने उस विद्यार्थी से कहा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। शिक्षक चाय लेकर आया और उसने कहा तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो, थक गए होंगे, चाय पीकर थोड़ा सा आराम कर लो। और शिक्षक ने कप में केतली से चाय डालनी शुरू की और चाय धीरे 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 डालते गए, कप भर गया, लेकिन उन्होंने चाय को डालना जारी रखा। इस पर उस छात्र ने बोला ठहरिए सर, ये आप क्या कर रहे हैं, कप भर गया है, इसमें जगह नहीं है और आप चाय डालते ही जा रहे हैं। तब शिक्षक ने कहा बेटा इस कप के संबंध में तुम्हें जितना होश है उतना ही अपने मन के संबंध में अगर हो जाए तो जीवन में तुम्हें बड़ा आदमी बनने से, समझदार बनने से और कुछ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस चाय की चिंता है, तुम्हें इस कप की चिंता है, लेकिन अपने जीवन की चिंता नहीं है। तुमने अपने मन में जो घमंड बैठा लिया है, मुझे सब कुछ आता है, हर बात पे तुम कहते हो मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है। बात बहुत मोटिवेशनल थी, सीखने वाली थी। बच्चा होशियार था, बच्चे ने तुरंत बात सीखी और अपनी आदत बदल ली। वो समझ गया कि उसके गुरुजी का उसे घर बुलाने का क्या मकसद था और उसने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार को इतना मत भरो कि अच्छी चीजें सीखने के लिए जगह ही ना बचे। अगर जीवन में तरक्की चाहते हो, अगर जीवन में उन्नति चाहते हो, इस मन को हमेशा खाली रखो, सीखने की हमेशा कोशिश करो। मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, लेकिन अहंकार इसके बीच में दुश्मन बन जाता है। सीखिए, अपने जीवन में सब कुछ सीखिए और एक अच्छा जीवन जिए। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।